बिजेंटियम मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी स्टोरी लिख रही होती है, पर वो चाहती नहीं थी कि कोई ये पढ़े, तो वो उन पेजेस को फाड़कर फेंक देती है। दरअसल उसने ये स्टोरी कई बार लिखी होती है पर वो हर बार उसे फेंक देती थी। इस बार उसके पेजेस नीचे एक बूढ़े आदमी को मिलते हैं और वो सब पढ़ लेता है। ये देख वो लड़की जिसका नाम एलिनर होता है वो नीचे आती है और उस आदमी से बात करने लगती है। असल में एलिनर एक वैम्पायर होती है और वो पिछले कई सालों से जिंदा होती है। फिर वो बूढ़ा आदमी एलिनर को अपने घर इनवाइट करता है। वो उसे एक पुरानी एल्बम दिखाता है, उसमें उस आदमी की वाइफ की फोटोज होती हैं। वो बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, पर उसकी वाइफ का उसके ही भाई के साथ अफेयर शुरू हो गया था। इस बात ने उस बूढ़े आदमी को तोड़ दिया और उसने फिर कभी शादी नहीं की। वो आदमी एलिनर से कहता है कि उसने बहुत जिंदगी जी ली है और वो अब मरना चाहता है, तो वो एलिनर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे। एलिनर उस बूढ़े आदमी की ये विश पूरी कर देती है और उस आदमी का ब्लड पीकर उसे मार देती है। फिर हम एक डांस बार को देखते हैं जहां क्लारा नाम की डांसर काम कर रही होती है। दरअसल क्लारा एलिनर की माँ होती है और वो भी एक वैम्पायर होती है। वहां बार में डांस करते वक्त एक आदमी क्लारा से बदतमीजी करता है तो वो उसकी नोज को इंजर्ड कर देती है। फिर वहां पर गार्ड्स आकर उन दोनों को दूर करते हैं और वहां का मैनेजर क्लारा को ही ब्लेम करता है और उसे बिना पेमेंट दिए वहां से जाने को बोलता है। क्लारा इससे बहुत गुस्सा हो जाती है और सीधा काउंटर से पैसे निकाल कर वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी उसके सामने आ जाता है। वो एक एजेंट लग रहा था, जैसे किसी सीक्रेट मिशन पर आया हो। क्लारा उसे देखकर बहुत डर जाती है तो वो वहां से भागती है। वो एजेंट भी उसके पीछे भागता है और फाइनली एक बिल्डिंग की टेरेस पर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो एजेंट क्लारा को पकड़ने वाला होता है वैसे ही क्लारा वहां की एक ग्लास पैनल से नीचे कूद जाती है। वो एजेंट भी उसके पीछे कूद जाता है। नीचे बच्चों का प्लेइंग एरिया होता है इसलिए ये दोनों एक ट्रैमोलाइन के ऊपर गिरते हैं। वो एजेंट क्लारा से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि वेयर इज सी। क्लारा उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। इसके बाद वो दोनों क्लारा के फ्लैट पर चले जाते हैं। वहां पर क्लारा उस एजेंट को अपनी बातों में उलझा देती है और मौका मिलते ही उसका गला काट देती है। तभी वहां पर एलिनर भी आ जाती है। वो क्लारा से पूछती है कि ये आदमी कौन है, पर क्लारा उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती और बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर क्लारा उस आदमी की बॉडी को जला देती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। क्लारा एलिनर को एक नई जगह ले जाती है। एलिनर कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, पर क्लारा उसे कट करती है और जल्दी चलने बोलती है। एलिनर क्लारा से पूछती है कि कितनी बार हमें ऐसे अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर भागना पड़ेगा, तो वो उसे समझाती है कि अच्छा बनने के लिए ये करना पड़ता है। दरअसल क्लारा का नेचर होता है कि वो जल्दी से नए लोगों से बॉन्डिंग बना लेती थी जिससे उसे पैसा और कंपनी दोनों मिल जाते थे, पर एलिनर एक इंट्रोवर्ट होती है, उसे लोगों से कंफर्टेबल होने में काफी टाइम लगता था। वहाँ एलिनर एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने जाती है। उसकी ट्यून सुनकर वहाँ एक वेटर फ्रैंक उसके पास आता है। वो बहुत ध्यान से एलिनर की ट्यून सुन रहा होता है जिससे वो एलिनर से बात भी करता है। वो उसे अपना नंबर देता है पर उसके पास फोन नहीं होता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम क्लारा को देखते हैं। उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पैसे देता है, तो क्लारा उसके साथ जाती है। वहाँ वो आदमी रोने लगता है। वो क्लारा को बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है और वो उनका फ्यूनरल छोड़कर भाग आया है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं होती वो सब फेस करने की। क्लारा उसे दिलासा देती है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो इसलिए तुम्हें इतना दुख हो रहा है। इसके बाद वो दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। क्लारा को पता लगता है कि उस आदमी का नाम नोएल होता है और वो एक गेस्ट हाउस ऑन करता है। फिर क्लारा अपनी बातों में उसे फंसा लेती है जिससे अब क्लारा और एलिनर को रहने की जगह मिल जाती है। वो एलिनर को अपनी छोटी बहन बनाकर ले जाती है। अब क्लारा उसी होटल में अपना रेड लाइट वाला बिजनेस करने का प्लान करती है ताकि उसे ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े और उसकी लाइफ भी सेटल हो जाए। उस रात जब एला सो रही होती है तो उसे एक बुरा सपना आता है जिससे सुबह उसका मूड ठीक नहीं होता। तब नोएल उसे समझाता है कि यहाँ वो पूरी तरह से सेफ है इसलिए उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एला नोएल को सब सच बताना चाहती थी क्योंकि वो दिल का अच्छा होता है, पर क्लारा ने एला को धमकी दी थी कि अगर उसने नोएल को कुछ भी बोला तो वो नोएल को ही मार देगी। एक दिन जब एला कहीं जा रही होती है तो वो फ्रैंक से टकरा जाती है जिससे फ्रैंक साइकिल से नीचे गिर जाता है। इससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। वो खून
रुक ही नहीं रहा होता तो एला फ्रैंक को उसके घर ले जाती है। वहाँ फ्रैंक के पेरेंट्स जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लारा लोगों का शिकार करके उनका खून पी रही होती है क्योंकि वो अब कमजोर हो चुकी थी। फिर एला फ्रैंक को मिलने हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ उसकी माँ एला को बताती है कि फ्रैंक को एक टाइप की बीमारी है जिसमें अगर एक बार कहीं से खून निकलना चालू हो जाए तो रुकता ही नहीं है। एला फ्रैंक का खून पीकर उसे मारने का सोचती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर एला ऐसे इंसान की तलाश करती है जिसका वो खून पी पाए। फिर उसे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत मिलती है तो वो उसका खून पी लेती है। आगे हम देखते हैं कि अब एला को उसके माँ के रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं आ रहा था। अब एला एक CLG में एडमिशन लेती है। फ्रैंक भी वहीं पढ़ता था। एक दिन उनके टीचर केविन उन्हें अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने का बोलते हैं। एला और फ्रैंक बहुत क्लोज आ चुके थे इसलिए एला फ्रैंक को बोलती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि इससे हमें खतरा है। फिर एला वहां से चली जाती है और एक शांत जगह पर जाकर अपनी स्टोरी लिखने लगती है। और हम फ्लैशबैक में उसकी स्टोरी देखते हैं जहां पहले जब क्लारा टीनेजर थी। एक दिन वो बीच पर काम कर रही थी तभी दो ऑफिसर्स रुथविन और डार्विन उसके पास आते हैं। वो दोनों ऑफिसर्स भाई होते हैं। उनमें से रुथविन को क्लारा पसंद आ जाती है तो वो उसे लालच देकर अपने साथ ले जाता है। डार्विन उसे मना करता है पर वो तब भी रुथविन के साथ चली जाती है। रुथविन उसे रेड लाइट एरिया में ले जाता है और बोलता है कि ये आज से तुम्हारा प्रोफेशन है। इसके बाद कुछ दिनों में क्लारा प्रेग्नेंट हो जाती है और एला को जन्म देती है पर उसे बोला जाता है कि तुम ये बच्चा यहाँ नहीं रख सकती। इसलिए क्लारा एला को ऑर्फनेज होम के बाहर छोड़ देती है और इसी ऑर्फनेज होम के फ्लैशबैक्स एला को आते रहते थे। जब एला 16 साल की होती है तो क्लारा को पता लगता है कि उसे TB है जिससे जल्दी ही उसकी मौत हो जाएगी। एक दिन डार्विन और रुथविन क्लारा से मिलने आते हैं जहाँ डार्विन अब काफी अमीर भी हो गया था पर उसके प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं होता। रुथविन को तब लालच आ जाता है। जब डार्विन बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है तो कुछ दिनों बाद ब्रदरहुड सोसाइटी से कुछ लोग डार्विन से मिलने आते हैं और उसको एक नक्शा देते हैं जहां उसके बीमारी की दवाई मिलेगी। डार्विन रुथविन को लेकर उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां उन्हें एक जादुई मंदिर दिखाई देता है। डार्विन रुथविन को पानी लाने के लिए कहता है और खुद अंदर जाता है। कुछ देर बाद रुथविन देखता है कि झरने का पानी लाल हो चुका था और जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाता है तो उसे डार्विन की लाश दिखाई देती है। रुथविन वहां से डरकर भाग जाता है। फिर रुथविन वापस आकर डार्विन की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है। कुछ समय बाद डार्विन वापस आ जाता है और उसकी बीमारी भी जा चुकी थी। असल में डार्विन उस आइलैंड पर एक वैम्पायर बन चुका था और अब वो अमर था। फिर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी रुथविन से वापस छीन लेता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एला इस कहानी को लिखकर फ्रैंक को पढ़ने देती है पर फ्रैंक इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। वो एला को बोलता है कि असाइनमेंट के लिए तुम्हें असली स्टोरी लिखनी है। एला उसे बताती है कि ये सब उसने असाइनमेंट के लिए नहीं लिखा है, उसने इसीलिए ये लिखा होता है ताकि फ्रैंक एला की सच्चाई जान सके। पर अभी भी फ्रैंक उस पर भरोसा नहीं करता और डायरी अपने टीचर केविन को दे देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इतना सब होने के बाद भी रुथविन को डार्विन ने वो नक्शा दे दिया था ताकि वो भी उसकी तरह वैम्पायर बन सके। अब क्लारा भी काफी बीमार थी और वो वहां पर जाना चाहती थी इसलिए वो रुथविन पर हमला करती है और वो नक्शा चुरा कर भाग जाती है जिससे वो खुद वैम्पायर बन जाती है। डार्विन को यह पता लग जाता है इसलिए वो उसे सीक्रेट सोसाइटी में ले आता है जिसने डार्विन को वो मैप दिया था। सोसाइटी के मेंबर्स नाराज होते हैं क्योंकि उनके ग्रुप में बस एलाइट और नोबेल मैन ही थे और क्लारा एक प्रोस्टिट्यूट थी। फिर सोसाइटी के मेंबर्स क्लारा को इस शर्त पे छोड़ते हैं कि वो किसी से नहीं कहेगी कि वो वैम्पायर है और वो उस जगह का पता किसी को नहीं बताएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुथविन को क्लारा से बदला लेना था इसलिए वो ऑर्फनेज जाता है और एला का रेप कर देता है। क्लारा वहां आती है और गुस्से में रुथविन को मार देती है। एला की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी इसलिए क्लारा उसे भी वैम्पायर बना देती है और ये सोसाइटी को पता चल जाता है कि क्लारा ने रूल तोड़ा है। उस दिन से ब्रदरहुड सोसाइटी के एजेंट्स क्लारा और एला के पीछे पड़ जाते हैं और मूवी की शुरुआत में जो एजेंट क्लारा के पीछे पड़ा था वो इसी सोसाइटी का मेंबर था। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहां क्लारा को पता चल जाता है कि एला ने अपनी स्टोरी लिखकर फ्रैंक को दे दी और फ्रैंक ने उसके टीचर को और अब CLG में कई लोग इस बारे में जानते थे। एलिनर अब फ्रैंक से प्यार करने लगी थी पर फ्रैंक को बीमारी थी इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि फ्रैंक को भी वैम्पायर बना के वो हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ दूसरी तरफ एला के टीचर केविन क्लारा को मिलने बुलाते हैं और एला की स्टोरी की सच्चाई पूछते हैं। क्लारा
गुस्से में केविन को मार देती है और एला पर भी बहुत गुस्सा करती है। उन दोनों में बहस होती है। एला घर छोड़कर निकलने लगती है। क्लारा उसके पीछे जाती है और नोएल उसे रोकने जाता है और इसी सब में नोएल नीचे लिफ्ट के गैप में गिर जाता है और लिफ्ट में एला होती है जो वहाँ पर फंस जाती है। तो क्लारा उसे वहीं छोड़कर फ्रैंक को मारने जाती है क्योंकि उसे भी सारी कहानी पता होती है। जैसे ही क्लारा वहाँ से जाती है यहाँ ब्रदरहुड सोसाइटी के मेंबर्स आकर एला को पकड़ लेते हैं। क्लारा उसे बचाने वापस आती है पर वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। अब वो लोग इन्हें पकड़कर एक शांत जगह पर ले जाते हैं ताकि उन्हें मार पाएं। पर वहाँ डार्विन आकर क्लारा और एला को बचा लेता है क्योंकि वो पहले से क्लारा को पसंद करता था। क्लारा भी एला को अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद कर देती है और खुद डार्विन के साथ रहने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।